फ्रेंड्स, वैसे तो आपने इस वीडियो का थंबनेल देख के आइडिया लगा लिया होगा कि आज की ये वीडियो किस टॉपिक पर रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेली के एक फ्रेशर स्टूडेंट्स के बारे में, जिसने टेली का कंप्लीट कोर्स कर लिया हो, टेली का एग्जाम भी दे दिया हो और उसके पास टेली सीखने का सर्टिफिकेट भी है। तो उसके मन में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि अब मुझे अकाउंटिंग की जॉब कैसे मिलेगी, या अगर मैं किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ तो वहां पर मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को आप एक सेकंड भी स्किप किए बगैर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको मैं ये बताऊंगा कि एक टेली के फ्रेशर स्टूडेंट्स को जॉब के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सबसे पहले उसको कौन सी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, वहां पर वो सिलेक्ट होगा या रिजेक्ट होगा, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं मोहन सुथार स्मार्ट कंप्यूटर सेंटर रायसेनगर से स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग आरएसएनआर में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें। और ये आज की वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत हो तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। टेली के फ्रेशर स्टूडेंट के मन में बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन मन में रहते हैं कि मुझे अकाउंटिंग की जॉब कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर वहां पे मुझे जॉब मिल जाती है तो वहां से मेरे से क्या क्या वर्क करवाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन एक टेली के फ्रेशर स्टूडेंट के मन में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये ज्यादा मायने रखता है कि आपने जिस इंस्टीट्यूट पे एडमिशन लिया टेली के लिए, तो क्या आपको बिजनेस के रियल वाउचर्स के साथ आपको प्रैक्टिस वहां पर कराई गई है या नहीं करवाई गई, या आपको एज पर बुक्स के आधार पर ही आपको टेली में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, लेजर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट की जाती है, जीएसटी कैसे इनेबल होती है, जीएसटी वर्क कैसे करती है, या टीडीएस क्या चीज होता है, टीडीएस को मिनी लेबर कैसे करेंगे, ये सब कुछ आपको एज पर बुक्स का ही नॉलेज है। यानी कि जो किताब में लिखा हुआ है आपने उस किताब को देख के ही, और उसमें जो जो आपने रूल्स लिखे हुए हैं, जो जो स्टेप उसमें लिखे हुए हैं, उसको फॉलो आप करते गए और अपना कंप्लीट कोर्स कर लिया। और आपने अगर ऐसा किया है, यानी कि आपने बिजनेस के रियल प्रैक्टिस के साथ वाउचर्स की आपने प्रैक्टिस नहीं करी वाउचर्स के साथ, और आपके पास केवल बुक्स का नॉलेज है, यानी कि आपको केवल इतना ही नॉलेज है कि टेली में F9 में परचेज की एंट्री होती है, F8 में सेल्स की एंट्री होती है, F5 में पेमेंट एंट्री, या F6 में रिसिप्ट वाउचर की एंट्री, इतना ही आपको नॉलेज है। और आपने एक ऐसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया जहां पर उस कंपनी में किसी न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पे या टीवी में एक अकाउंटेंट हायर करने की एडवर्टाइजमेंट दे रखी है, और आपने उस एडवर्टाइजमेंट के आधार पे उस कंपनी में अपना रिज्यूम पोस्ट कर दिया। तो सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि क्या आपने इससे पहले किसी कंपनी में प्रैक्टिकली रूप से अकाउंटिंग वर्क किया है क्या। तो आपका जवाब रहेगा ना में। तो इसका मतलब आपने उस मैनेजर को दूसरा सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया, आप पहले क्वेश्चन में रिजेक्ट हो। क्योंकि फ्रेंड, टेली सीखना एक अलग मैटर है, रियल बिजनेस में प्रैक्टिकल अकाउंटिंग मेंटेन करना एक अलग बात है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये कोई मायने नहीं रखता भी आपने वो टेली का कोर्स 6 महीने वाला किया है या 1 साल वाला डिप्लोमा आपके पास है, चाहे आपने उस कोर्स की फीस 10,000 रुपए पे की हो, चाहे उस कोर्स की आपने 20,000 रुपए की फीस पे की हो। आपने रियल वाउचर्स के साथ प्रैक्टिस कितनी करी है, कितना टाइम उसको आपने दिया है, ये ज्यादा मायने रखता है। फीस या कोई डिप्लोमा कितने साल का किया है, कितने मंथ का किया है, ये कोई मायने नहीं रखता रियल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो एक उस स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा जो अभी प्रेजेंट टाइम में टेली सीख रहा है या इन फ्यूचर में कोई टेली या बीजी सीखने का कोई प्लानिंग अभी कर रहा है, ताकि उसका पैसा और समय दोनों बच सके। या आपने एक ऐसे इंस्टीट्यूट पे एडमिशन लिया जहां पे आपको टेली के रियल बिजनेस के वाउचर्स के साथ आपको प्रैक्टिस कराई गई हो, यानी कि आपको अच्छी तरीके से जो आपको कंपनियों में रियल लाइफ के अंदर आपको जो वाउचर्स फेस करने पड़ते हैं उस वाउचर्स की आपको प्रैक्टिस उस इंस्टीट्यूट पे करा दी गई हो, यानी कि अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस है, तब आप फर्स्ट टाइम किसी कंपनी में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप 100% सिलेक्ट होगे। अगर आपने केवल टेली सीख रखी है, आपको सिर्फ टेली का ही नॉलेज है, तो आप फर्स्ट टाइम में 100% ही रिजेक्ट होगे। तो फ्रेंड्स, टेली सीखना कोई एक बड़ा मैटर नहीं है, आपको प्रैक्टिकल रूप से अकाउंटिंग आनी जरूरी है। या आपने किसी इंस्टीट्यूट पे जाके केवल टेली सीखी है, तो आपको किसी भी कंपनी में जॉब के अप्लाई करने से पहले
आपको किसी चार्टेड अकाउंटेंट के ऑफिस में या किसी टैक्स प्रोफेशनल जो अकाउंटिंग के वर्क जो लोग करते हैं उनके अंडर में आपको कम से कम 2 या 3 साल का एक अकाउंटिंग एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा किसी बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट की पोस्ट को जॉब की अप्लाई करने से पहले। अगर आप टैली सीखते अप्लाई करोगे तो आप रिजेक्ट होगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर फ्रेंड्स अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा अगर आपने टैली सीखी है आपके पास प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखने के वाउचर्स अगर आपके पास नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे जो प्रैक्टिकल वाउचर्स होते हैं वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे आप घर पर बैठ के भी या किसी इंस्टीट्यूट में जाके उसकी फोटोकॉपी आप निकला के वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट पे जा रहे हो तो वहां से आप ऐसी रिक्वेस्ट आप जरूर कीजिए कि आप हमें बुक्स के साथ न पढ़ाएं, आप हमें बिजनेस के रियल वाउचर्स के साथ प्रैक्टिस कराएं क्योंकि ये आपके लिए ज्यादा मायने, बुक्स आपके लिए कोई ज्यादा मायने नहीं रखती क्योंकि आप जब टैली सीख रहे होते हो तो तब तक आप बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हो। आपको ये पता नहीं होता कि हमें नेक्स्ट जब हम किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। तो ये आज आपको मैं इसी वीडियो से बता रहा हूं आपको बुक्स नॉलेज आपका कोई काम नहीं आएगा, आपको रियल वाउचर्स के साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चाहे आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में कर लो, चाहे किसी टैक्स प्रोफेशनल में कर लो या एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले लो जहां पे रियल प्रैक्टिकल के साथ वाउचर्स की आपको टेली या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पीजी वगैरह आपको सिखाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।